नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज हर तरफ गूंजेगा गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, क्योंकि आज है गणेश विसर्जन। अपने भक्तों के बीच 10 दिन तक रहने के बाद आज गणपति बप्पा अपने गांव चल दिए। देश भर में लोग बप्पा को विदाई दे रहे हैं। मुंबई में तो गणपति विसर्जन जुलूस की भी अलग धूम होती है। लालबाग के राजा पंडाल में आरती के बाद सुबह विसर्जन यात्रा शुरू होती है और मीलों तक जुलूस के बाद अगले दिन सुबह विसर्जन हो पाता है। बप्पा के विसर्जन के साथ आज हर कोई यही कह रहा है कि अगले बरस तू जल्दी आ। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता। जय देव जय देव। लाल बाग के राजा की छटा बेहद ही निराली है। जितना भव्य बप्पा की प्रतिमा होती है उतनी ही भव्य विसर्जन यात्रा भी। लाल बाग के राजा की विसर्जन यात्रा जुलूस की शक्ल में करीब 24 घंटे तक ढोल नगाड़ों नाच गानों के साथ आगे बढ़ती रहेगी। आमतौर पर गिरगांव चौपाटी तक पहुंचते पहुंचते दिन गुजर चुका होता है। हर बार की तरह इस बार भी लालबाग के राजा के दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ रही। क्या आम क्या खास, सभी बप्पा के दर पर शीश नवाने पहुंचे। लालबाग के राजा मुंबई का सबसे लोकप्रिय गणेश मंडल है। ये मुंबई के लालबाग परेल में लगाया जाता है। गणेशोत्सव के मौके पर भक्तों को लालबाग के राजा के दर्शनों का इंतजार रहता है। माना जाता है कि लालबाग के गणपति के दर्शन करने वाला ही भाग्यशाली होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी दर्शनों के लिए आता है खाली हाथ नहीं जाता। यही वजह है कि लालबाग के राजा को मन्नतों का श्री गणेश भी कहा जाता है। लालबाग के राजा की ख्याति इसी बात से आंकी जा सकती है, यहाँ का जो चढ़ावा आता है वो 20 से 25 करोड़ से भी अधिक होता है। लालबाग का राजा मुंबई के सबसे पुराने गणेश मंडलों में से एक है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। कहा जाता है कि इस इलाके के व्यापारियों का कारोबार उस वक्त घाटे में चलता था। व्यापारी चाहते थे कि लालबाग के एक खुली जगह पर भी बाजार लगने लगे। कहते हैं इसी इच्छा के साथ कुछ व्यापारियों ने लालबाग के राजा के पंडाल की स्थापना की थी। लालबाग के राजा की मूर्ति स्थापित हो जाने के बाद व्यापारियों की मनोकामना पूरी होने में वक्त नहीं लगा। इसके बाद से ही यहां लालबाग के राजा की स्थापना हर साल होने लगी। ये गणेश मंडल धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। जिस जगह पर यह पंडाल लगाया जाता है उस भूमि को एक मुस्लिम व्यापारी रजब अली तैयब अली ने दान दिया था। आजादी के पहले ये उत्सव विचार विमर्श का माध्यम भी था। वक्त के साथ लालबाग के राजा पर लोगों की आस्था बढ़ती गई और ये मुंबई का सबसे लोकप्रिय गणेश मंडल बन गया। लोग यहाँ दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। आरिश चंद्रा, मुंबई आज तक। लालबाग के राजा के पास चढ़ावा आता है तकरीबन 20 से 25 करोड़ के बीच में। खैर, सीधे चलते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर मौजूद हैं विद्या गिरगांव चौपाटी से, जहां पर पिछले साल तकरीबन 2 लाख मूर्तियों को विसर्जित किया गया था। इस बार भी काफी उम्मीद है और जहां पर जिस मूर्ति का विसर्जन होगा, जो सबसे बड़ी मूर्ति जहां का जिसका विसर्जन होगा वो है लालबाग के राजा। वहां से हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र, उन दोनों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, लालबाग के राजा आज तो विसर्जन नहीं हो पाएगा, ये हर कोई जानता है। गुलाल चलता है, अबीर चलता है और उसके बाद अगले दिन विसर्जन होता है। इतनी लंबी भीड़ जाती है, क्या हाल है वहां का? निशाद, बिल्कुल माहौल बना हुआ है गणेश विसर्जन का यहाँ। लाल कहते हैं कि यदि गणेश की मूर्तियां देखनी है, उनका दर्शन करना है और लालबाग के राजा के ऊपर फूलों की बरसात अगर देखना हो तो
देश और दुनिया के लोग इस जगह पे आते हैं जहां मैं खड़ा हूं, इसे लालबाग कहते हैं। मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको, खुली सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ देर के बाद निशात आप बिलीव कीजिए यहां हजारों की संख्या में होंगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी। आपको मैं ऊपर एक श्रॉफ बिल्डिंग सृष्ट उष्टि उत्सव में दिखाना चाहूंगा। ये एक ऐसा कई सालों से ये पंडाल बना हुआ है कि जब भी कोई बड़ी गणेश की मूर्तियां इस सड़क से गुजरती है उनके ऊपर फूलों की बरसात होती है, हजारों टन फूल यहाँ लाए जाते हैं। और इस बिल्डिंग की एक खास बात यह है कि हजारों टन यहाँ फूल बरसते हैं यहाँ, और खास तौर पे ये बात है कि जब भी लालबाग के राजा यहाँ आएंगे तकरीबन 2 बजे के आसपास लालबाग के राजा यहाँ आते हैं और उनके ऊपर फूलों की बरसात होती है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा मुंबई चा राजा जी, यहाँ मुंबई लालबाग के गणेश गली की जो पहली मूर्ति होती है, सबसे पहली मूर्ति वो निकल चुकी है अपने पंडाल से, यानी गणेश विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है, पंडाल से निकल चुकी है, लेकिन यहाँ तक आते आते उनको और 2 घंटे लग जाएंगे। तो ये शुरुआत हो चुकी है गणेश विसर्जन। वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुंबई में तकरीबन 120 जगह ऐसी हैं जहां पर विसर्जन का इस बार आयोजन किया जाएगा, जहां पर विसर्जित किया जा सकता है। आपको बताएंगे गिरगांव चौपाटी की अगर बात की जाए तो लालबाग के राजा और अंधेरी के राजा भी वहां पर विसर्जित किए जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड सितारों पर गणपति की भक्ति का रंग खूब चढ़ा। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, यहां पर कई बॉलीवुड के सितारे मौजूद थे। शिल्पा शेट्टी यहाँ पर आई, यहाँ पर बकायदा संजय दत्त पहुंचे, यहाँ पर कई फिल्म स्टार मौजूद थे जिन्होंने लालबाग के राजा के दर्शन किए। बड़ी लंबी लाइन लगती है। अभी यहाँ पर विसर्जन की तैयारी शुरू हो चुकी है और लालबाग के राजा निकल भी चुके हैं। और ये देखिए अबीर गुलाल फूल इसके साथ, पिछले साल 9 सितंबर को था विसर्जन, और आपको सुन के हैरानी होगी कि जैसे ही विसर्जन की यात्रा शुरू हुई अगले दिन जाकर विसर्जन हो पाया लालबाग के राजा का, क्योंकि इतना हर्षोल्लास, इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा हुजूम लोगों का उनके साथ मौजूद होता है। इस बार की अगर बात की जाए तो पुलिस ने काफ़ी अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। आईटीबीपी के जवान हैं, करीब 35,000 पुलिस के कर्मचारी तैनात हैं। 120 जगह ऐसी है जहाँ पर विसर्जन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक और चीज़ गौर करने वाली है, वो ये है कि कई टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो मंचलों को पकड़ें, करीब 92 टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो कि मंचलों को पकड़ें। इतना ही नहीं, इसके अलावा तैयारियों का अगर जो जायज़ा लिया जाए तो गिरगांव चौपाटी में काफ़ी अच्छी खासी तैयारी है। पिछले साल करीब 2 लाख मूर्तियों का विसर्जन हुआ था। इस बार सीधे चलते हैं गिरगांव चौपाटी, हमारे साथ विद्या मौजूद है। गिरगांव चौपाटी पर क्या हाल है वहाँ पर विद्या? निशांत, जैसा कि आपने बताया अभी तो सिर्फ शुरुआत है, दरअसल अभी रविवार का समय है, लोग अपनी दिनचर्या के से ही गुजर रहे हैं, लेकिन यही वो रास्ता है। मैं दिखा दूं निशांत, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अभी तो फिलहाल खाली दिख रहा है, लेकिन थोड़े ही देर में यहाँ इतनी ज़्यादा खचाखच भीड़ होने वाली है कि यहाँ पर वॉलंटियर्स लगते हैं जो लोगों को आगे बढ़ाते रहते ताकि कोई सुचारू रूप से चलता रहे, कोई अनहोनी ना हो। इतनी ज़्यादा जो यहाँ भीड़ होती है, साथ ही क्योंकि ये मरीन ड्राइव है, मुंबई का वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए भी आती है क्योंकि जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है इसकी वजह से कई गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर, तो गाड़ियों का आना जाना भी ना रुके और ये सुचारू रूप से पूरा गणपति विसर्जन भी हो जाए। ये जो दो काम है ये ट्रैफिक पुलिस और यहाँ के सारे वॉलंटियर्स को बेहद सुचारू रूप से करना पड़ता है, और यही देखने के लिए एक बहुत बड़ा हुजूम पड़ता है कि देख सिर्फ ये देखे कि आखिर ये सारा काम हो कैसे रहा है। इस पूरे पथ पे सिर्फ लोग ही लोग होंगे थोड़ी ही देर बाद जो सिर्फ ये कहते निकलेंगे यहाँ से कि गणपति बप्पा। विद्या मैं आपको रोकूंगा, लालबाग के राजा की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विद्या एक बार वो तस्वीरें दिखाएं जो उनकी सवारी यहाँ पर निकल चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं लालबाग के राजा। और ये देखिए कितनी बड़ी विशाल काय मूर्ति होती है। वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। वीरेंद्र, तस्वीरें हमारे सामने दिखाई दे रही है, 1934 में स्थापना हुई और आज तक ये निरंतर चलता चला आ रहा है, और बल्कि ये कहा जाए कि ये सबसे बड़ी यात्रा होती है मुंबई में। निशाद, एक चीज में यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो तस्वीर इस वक्त हमें दिख रही है मुंबई चा राजा है, एक गणेश गली के मूर्ति है मुंबई चा राजा। लालबाग के राजा अब तक अपने पंडाल से बाहर निकले नहीं है। क्या इन्हीं को अंधेरी का राजा कहा जाता है? लालबाग के राजा की वीरेंद्र, क्या इन्हीं को अंधेरी का राजा भी कहा जाता है? नहीं, इन्हें मुंबई चा राजा कहा जाता है, जो लालबाग के गणेश गली की सबसे पुरानी मूर्ति है और वो पंडाल से निकल चुके हैं जहां उनके
मुख पर, उनके सर पर फूलों की बरसात लगातार हो रही है। अंधेरी चा राजा दूसरे लोकेशन पे है इस वक्त, लालबाग के राजा के पास गणेश गली का मुंबई चा राजा है जो निकल चुके हैं, विसर्जन की तैयारी शुरू हो चुकी है, बड़े गणेश मूर्ति निकल चुके हैं। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मुंबई के राजा हैं, लेकिन आपके सामने ये रंग साफ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि आज छुट्टी का दिन है, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं होगा और बड़ा आराम से विसर्जन का कार्यक्रम चलता है। और मुंबई में एक अलग रंग है इस वक्त, और ये रंग दिखा रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह गुनावत और विद्या। ये तस्वीर है मुंबई के राजा की तस्वीर, लाल बाग के राजा का विसर्जन भी आज है और मुंबई में आज जो गणेश विसर्जन है। आप वीरेंद्र, इन तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगे आप? मुंबई में विसर्जन में सबसे पहले जो मूर्ति निकलती है, जो सबसे ऊंची सार्वजनिक मूर्ति होती है, वो मुंबई का राजा, जो मुंबई लालबाग के गणेश गली की मूर्ति होती है। 81 साल पुरानी ये मूर्ति है। कहते हैं लालबाग के राजा से पहले इस पंडाल ने अपनी मूर्ति लगाना शुरू कर दी थी। और इस मूर्ति की आप खासियत देखिए, ये तकरीबन 22 फीट ऊंची मूर्ति है, को बहुत ही अलग, हर साल अलग अलग रूप और रंग में मूर्तियों को बनाया जाता है, लेकिन इनकी जो हाइट होती है, मुंबई में सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक मुंबई का राजा है। और जैसे ही पंडाल से बिल्कुल आखिरी जो आरती होती है, मनाती आरती होती है, उनको खत्म होते ही और सुबह 8 बजे के आसपास पंडाल से निकलती है, और जैसे ही बाहर निकलती है आसपास जो रेसिडेंशियल जो लोग होते हैं फूलों की बरसात करते हैं, और जहां जहां से वो गुजरते हैं उनको फूलों की बरसात के साथ स्वागत किया जाता है। और ये मूर्ति कल सुबह रोकूंगा मैं आपको वीरेंद्र, ये रंग आज हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे दिन भर। और ये देखें तस्वीर।